नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय पर हुए हमले के विरोध में धनवार भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम कुमार के नेतृत्व में भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने धनवार के गांधी चौक के पास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका तथा जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। इस क्रम में भाजपा नेता सुबोध कुमार राय ने कहा कि झारखंड राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है तथा राज्य में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। राज्य की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। कहा कि पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय पर हुए हमले राज्य सरकार की साजिश थी, इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि इस हमले की साजिश का उच्च स्तरीय जाँच हो। रविंद्र राय पर हुए हमले हेमंत सरकार की साजिश थी, हत्या की साजिश थी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि इस साजिश की उच्च स्तरीय जांच हो। चूंकि रविंद्र राय की हत्या की साजिश यह सरकार की सोच ही समझी राजनीति है। भाषा के नाम पर झारखंड में लड़ाया जा रहा है, झारखंड में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। रोज हत्या, रोज मर्डर, रोज बलात्कार हो रहा है और अगर वो रविंद्र राय के चालक सूझबूझ से काम नहीं लेते तो रविंद्र राय की हत्या ये सरकार की सुनियोजित ढंग से यह षड्यंत्र था। हम मांग करते हैं कि इस घटना का उच्च स्तरीय जांच हो, वरना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में और पूरे झारखंड में यह सरकार के कोई विधायक मंत्री को हम लोग बाहर नहीं निकलने देंगे, ना हेमंत सरकार को चलने देंगे।